अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अली दाऊदी और हम कर रहे हैं कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर लास्ट वीडियो जो हमने की थी वो थी मैक्सिमा एंड मिनिमा मालूम करने के लिए। यानी हमारे पास एक सिग्नल है, उस सिग्नल के अंदर मैक्सिमम पीक कब आती है और मिनिमम पीक कब आती है, उसके लिए हमने सबसे पहले स्टेशनरी वैल्यूज़ निकाली थी। यानी जो फंक्शन था उस फंक्शन को डेरिवेट किया और उसको इज इक्वल टू ज़ीरो लेके स्टेशनरी वैल्यूज़ निकाली। इन स्टेशनरी वैल्यूज़ ऑफ एक्स पे हमने वाई की वैल्यू निकाली और वाई की वैल्यू प्रिंसिपल इक्वेशन की मदद से निकाली। यानी डबल सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो से एक्स की जो वैल्यूज आई थी उसको हमने प्रिंसिपल इक्वेशन में पुट किया, वहाँ से वाई की वैल्यू निकली। ये तो हमें पॉइंट्स मिल गए, बट वॉट अबाउट द नेचर? उस नेचर को मालूम करने के लिए हमने प्रिंसिपल इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव लिया और ये देखा कि अगर डबल डेरिवेटिव का आंसर लेस देन ज़ीरो है तो ये मैक्सिमा है और अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये मिनिमा है। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था। इस वीडियो के अंदर हम यही काम करना चाहते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा निकालना चाहते हैं बट यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटेजी। वो क्या है देखते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन है वो है वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एक्स। हमने इसको डेरिवेट किया, ये यू डिवाइडिंग बाय वी के फॉर्मूले से डेरिवेट हुआ है। इसमें वी है एक्स और यू है ऊपर वाली चीज। जब हमने इसको डेरिवेट किया तो हमारे पास इसका आंसर आया ये, यू डिवाइडिंग बाय वी का फॉर्मूले को एक्सपेंड किया है और हमारे पास इसका आंसर आया ये। इस आंसर को हमने मजीद सॉल्व किया और हम अल्टीमेटली आके रेस्ट किए यहाँ पे एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर। एज पर आर कंडीशन ये चीज़ जीरो के बराबर हो जाती है। तो जब ये चीज़ को मैंने जीरो के बराबर लिया तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जीरो तो ये जीरो ही हो जाएगा। एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन जीरो के बराबर। यहाँ से हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज हैं, एक एक्स इज इक्वल टू वन आया और एक एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आया। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें वाई की वैल्यूज मिलेंगी। देखिएगा, हमने एक्स इज इक्वल टू जब वन इस इक्वेशन में पुट किया तो वाई हो गया जीरो। कैसे? वन में से वन निकलेगा तो जीरो होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा। तो ये पहला आंसर आया जीरो। सिमिलरली जब हमने x इज इक्वल टू माइनस वन इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास हुआ आंसर इसका माइनस फोर। यानी हमारे पास एक्चुअली दो पॉइंट्स आए। पहला पॉइंट है जब x की वैल्यू वन थी तब y जीरो था, जब x की वैल्यू माइनस वन हुई तब y माइनस फोर था। ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए। मगर इन स्टेशनरी पॉइंट से हम ये कैसे कह सकते हैं कि फला पॉइंट मैक्सिमा है और फला पॉइंट मिनिमा है? इसके लिए हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो ये था, डबल डेरिवेटिव किया था। मगर क्या डबल डेरिवेटिव का कोई अल्टरनेट वे प्रेजेंट है? हाँ है। वो कैसे जरा दिखेगा। अब हम ये काम करते हैं कि आपका जो ये माइनस एक्स का आंसर है ना, ये वाला माइनस माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन के बराबर है। अब जो भी हमारे एक्स के आंसर्स होंगे उसमें हम एक दफा एप्सिलॉन, ये है ई जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन, ये ग्रीक लेटर है। जो हमारा एक्स का आंसर होगा उसमें एक दफा एप्सिलॉन को माइनस करवाएंगे और एक दफा प्लस करवाएंगे। एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, उसको एक दफा अपने एक्स के अंदर ऐड करवाना है, एक दफा सब्ट्रैक्ट करवाना है। मान लें कि हमारे पास एप्सिलॉन बहुत छोटा है, कितना छोटा, -0.1 के बराबर है। एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे वाले केस में 0.1 के बराबर है। तो उसका मतलब ये हुआ -1 माइनस एप्सिलॉन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो -1 माइनस एप्सिलॉन, इसका आंसर आएगा -1.1, जो के ज्यादा लेस है कंपेयर टू -1। फिर से देखिएगा, हमने सवाल के अंदर स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल दिए। अब हमें नेचर निकालना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। उसके लिए हम डबल डेरिवेटिव करते थे, मगर अब हम इसके अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं। इसके अल्टरनेट के लिए हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन ग्रीक लेटर है।
इसकी वैल्यू हमने अपनी मर्जी से चूज की है 0.1, क्योंकि छोटी वैल्यू होनी चाहिए। अब हमने इस पर द फॉर्मूला -1 माइनस एप्सिलॉन किया तो इसका आंसर आया -1.1, जो कि लेस है हमारी एक्चुअल वैल्यू -1 से। सिमिलरली जब मैं -1 में एप्सिलॉन को ऐड करवा देता हूँ तो इसका आंसर आता है -0.9, जो कि ज्यादा है। -0.9 इज ग्रेटर देन -1। तो क्या, जरा देखिएगा, हम ये कह रहे हैं कि हम डबल डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, इसके बदल एक एप्सिलॉन की वैल्यू लगाने के बाद बता देंगे कि ये वैल्यू ज्यादा है या कम है। हमने पहले वाले केस में x इज इक्वल टू -1 माइनस एप्सिलॉन किया, जिससे फाइनल आंसर -1.1 आया। अगर मैं -1.1 को -1 से जब कंपेयर करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई dy डिवाइडिंग बाई dx जो कि -1 है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि -1.1 इज मोर नेगेटिव, -1.1 इज मोर नेगेटिव देन -1, इसी वजह से dy डिवाइडिंग बाई dx पॉजिटिव हो गया। अगर मैं सिर्फ -1 लेता हूँ तो -1 पे तो ये हमारा था डेरिवेटिव, dy डिवाइडिंग बाई dx इज इक्वल टू 0 जब आता था तब x की वैल्यू -1 होती थी। अब हम 0 जो कि स्टेशनरी वैल्यूज हैं, इससे एक दफ़ा पीछे गए विच इज़ माइनस एप्सिलॉन, और एक दफ़ा आप आगे आएंगे जो कि है प्लस एप्सिलॉन। प्लीज़ गौर से देखिएगा, हम इस सवाल में डबल डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे, हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है एप्सिलॉन। एक दफ़ा एप्सिलॉन नेगेटिव होगा -1 माइनस एप्सिलॉन, एक दफ़ा एप्सिलॉन ऐड होगा यानी -1 प्लस एप्सिलॉन। जो फाइनल आंसर होगा उसको हम कंपेयर करेंगे dy डिवाइडिंग बाई dx से, यानी इसमें है -1.1, इसको हमने कंपेयर किया -1 से और ये कहा कि भाई dy डिवाइडिंग बाई dx जो कि -1 है ये ज़्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू -1.1, यानी -1 इज मोर पॉजिटिव देन -1.1। सिमिलरली दूसरा हमारा आंसर है -0.9। अब 0.9 कंपेयर जब मैं -1 के साथ करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि dy डिवाइडिंग बाई dx जिसकी वैल्यू -1 है वो नेगेटिव है। यानी अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड करने चाहूँ तो गौर से देखिएगा, मैंने दो केस बनाए, एक है हमारे पास साइन ऑफ dy डिवाइडिंग बाई dx, x की वैल्यू एक दफ़ा थी -1 माइनस एप्सिलॉन, एक दफ़ा थी -1 प्लस एप्सिलॉन, और एक दफ़ा थी सिर्फ -1। जब ये -1 था तो मुझे पता था फाइनल आंसर 0 आता था, यानी ये स्टेशनरी पॉइंट है। अब जब मैंने ये -1 एंड प्लस एप्सिलॉन सेट किया, यानी ये सेट किया, तो मैंने ये नोट किया कि मेरे पास dy डिवाइडिंग बाई dx का आंसर हो गया नेगेटिव। जब ये नेगेटिव होता है तो इसका मतलब डिक्लाइनिंग स्लोप है, स्लोप गिर रहा है। फिर से समझे इस बात को, जब मैंने -1 प्लस एप्सिलॉन रख के सॉल्व किया तो dy डिवाइडिंग बाई dx का आंसर नेगेटिव आया, और नेगेटिव का मतलब माइनस, और माइनस का मतलब स्लोप डिक्लाइन हो रहा है। जब मैं -1 माइनस एप्सिलॉन पे था, यानी मैं इस पॉइंट पे था, -1 माइनस एप्सिलॉन पे जब मैं था तो मेरे पर dy डिवाइडिंग बाई dx का आंसर पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ, और पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि मैं -1 माइनस एप्सिलॉन -1 माइनस एप्सिलॉन पे फाइनल आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव का मतलब स्लोप जो है वो इंक्लाइनिंग मोड पे है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये किया कि फिगर नंबर 6 बिहेवियर ऑफ द ग्राफ नियर -1 एंड -4, अभी जो आप सॉल्व कर रहे थे वो x की वैल्यू -1 के लिए कर रहे थे, तो -1 की वैल्यू मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करती है, -1 की वैल्यू x -1 की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम पॉइंट को। दोस्तों ये -1 एंड -4 की वैल्यू मैक्सिमा थी, क्यों, जरा नीचे देखिएगा, ग्राफ राइज किया, स्टेशनरी पॉइंट आया और फिर डिक्लाइन हुआ। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि डिक्लाइनिंग बाद में अगर हो रहा है तो उसका मतलब वो पॉइंट मैक्सिमम है। ये हमने बात कर ली -1 एंड -4 के लिए, बट हमारे पास दूसरा एक पॉइंट मौजूद है विच इज़ 1 एंड 0। अगर हम 1 एंड 0 की बात करें तो इसके लिए क्या, 1 एंड 0 के लिए भी सेम एक्सरसाइज फॉलो होगी। यानी हमने कहा कि x किसके बराबर है, 1 माइनस एप्सिलॉन के, फिर एक दफ़ा x 1 के बराबर हो जाएगा, फिर एक दफ़ा x बराबर होगा 1 प्लस एप्सिलॉन के, जैसे हमने ऊपर किया।
जब हमने एप्सिलॉन की जगह पे 0.9 पुट किया और एनालाइज किया तो हमें पता चला कि भाई 1 माइनस एप्सिलॉन में ग्राफ नेचर नेगेटिव है, इसका मतलब ये डिक्लाइनिंग फेज पे है। x इज इक्वल टू 1 पे 0 यानी स्टेशनरी और x इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू अगेन 0.1 ही है, तो 1 में जब 0.1 ऐड होगा तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा, तो इसकी वजह से इंक्रीज होगी। 1 में से जब 0.1 निकला तो आंसर कंपैरेटिवली 1 के कम हुआ, तो इसकी वजह से ये डिक्लाइनिंग फेज पे है। तो उसका मतलब हमारे पास पहले ग्राफ डिक्लाइनिंग फेज पे था, फिर स्टेशनरी हुआ, फिर ये ऊपर चला गया। पहले डिक्लाइनिंग था, फिर स्टेशनरी हुआ, फिर ऊपर चला गया। एंड इस पॉइंट को मैं ये देख के कह सकता हूँ कि ये वाला पॉइंट विच इज़ 1 एंड 0 इज एक्चुअली द मिनिमा पॉइंट। जैसे ये वाला पॉइंट -1 एंड 4 मैक्सिमा था, तो ये दूसरा पॉइंट मिनिमा है। तो इस मदद से यानी विद द हेल्प ऑफ द एप्सिलॉन हमने डबल डेरिवेटिव किए बगैर आंसर को दो हिस्सों में बता दिया कि यहाँ पे ये रिलेटिव मैक्सिमा है और यहाँ पे ये रिलेटिव मिनिमा है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो देखिएगा आपके सामने ये पिक्चर आएगी। इस पिक्चर के अंदर हमारे पास दो पॉइंट हो गए, एक हुआ -1, -4 ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट है 1, 0। मैंने -1, -4 को मैक्सिमा कहा है और 1, 0 को मिनिमा कहा है। जैसे ये रहा 1, 0 को हमने मिनिमा कहा है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये मिनिमा क्यों है और ये मैक्सिमा क्यों है? दोस्तों हमारी कैलकुलेशन ये बताती है कि -1 एंड -4 मैक्सिमा पॉइंट है और 1, 0 मिनिमा पॉइंट है। कैसे? इसकी तुक क्या है ज़रा देखिएगा। जो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था, हमारे पास ये एक वेव है, इस वेव में पॉइंट ए मैक्सिमा है, पॉइंट बी मिनिमा है। कैसे हमने कहा मैक्सिमा? क्योंकि देखिए ए से पहले ग्राफ इंक्लाइन यानी राइजिंग मोड पे था, उसके बाद ग्राफ डिक्लाइन हुआ। यानी मैक्सिमम पॉइंट वो पॉइंट होता है जिससे पहले इंक्लिनेशन हो फिर डिक्लिनेशन हो यानी फॉलिंग पॉइंट हो। अगर इसी चीज़ को मैं इस पिक्चर पे मिलाऊं तो इस पिक्चर के अंदर आप देखें ना, पहले ये इंक्रीजिंग मोड पे था, उसके बाद स्टेशनरी मोड आया और डायरेक्ट डिक्रीज कर गया, तो उसका मतलब ये पॉइंट है मैक्सिमा। और अगर इसके कंपैरेटिवली मैं दूसरे इस पॉइंट बी की बात करूँ तो बी से पहले क्या था? बी से पहले तो डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो गया। और अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए ये डिक्रीज हो रहा ग्राफ फिर इंक्रीज हो गया, तो उसका मतलब ये पॉइंट जो है ये रिलेटिव मिनिमा है। इसी वजह से इसको हमने मिनिमा कहा, जो कि आपने अपनी कैलकुलेशन में भी मेंशन किया था, और -1, -4 को आपने अपनी कैलकुलेशन में मैक्सिमा रिप्रेजेंट किया था।